السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على رسوله الامين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم ناظرين ما حافظ خليل الرحمن سنابلي اپ تمام کا اس खुलासे क़ुरान नामी प्रोग्राम में सीरीज़ में आपका इस्तबाल करता हूँ खुश आमदीद कहता हूँ आज की इस मुलाकात में आपके सामने पारा नंबर आठ का ख़ुलासा पेश किया जाएगा पारा नंबर आठ की इब्तः में जो सूर्य नाम का इब्तई हिस्सा भी है आयत नंबर एक सौ सोलह में अल्हरबालमीन ने प्यार रसूल सल्हु वसलम से कहा कि आप وسلم, अगर आप अक्सर लोगों की बात मानेंगे जो जमीन में बस्ते हैं उनमें से अक्सर को देख कर अक्सरियत की जानब निगाह करके अगर आप उनकी बात मानने लग जाए युदीलो कान सभी तो यह आपको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे आज देखें बहुत सारे लोग हक और बातिल तादाद से गिनती से परखते हैं कि हक़ पर कौन है बातिल पर कौन है कहते हैं हम तादाद में ज़्यादा हैं तो हम हक़ पर हैं और फ़ला कबीला फ़ला फ़िरक़ा फ़ला मसलक उनकी तादाद कम है तो वो बातिल पर हैं अल्लाह क्या कहते हैं कि अक्सर लोग जो है वो गुमराह होते हैं ख़राब होते हैं और एक दूसरी जगह पर अल्लाह आलमीन ने बल्कि और कई मकाम पर अल्लाह रबालमीन ने इस बात का तस्करा किया है कि शक्र गुज़ार बंदे कम हैं वलील उमिन इबाद य इबादत करने वालों की तादाद थोड़ी होती है ईमान वालों की तादाद हमेशा कम हुआ करती है तो हक और बातिल का मैार ये गिनती नहीं है बल्कि हक और बातिल का मार ये दलील हुआ करती है बुरहान हुआ करता है सुल्तान हुआ करता है अगली बात जो अल्लाह ने बयान की विका फ़कल उम्मा ज़ुक रसम आलिय इन कि जिस भी हलाल चीज पर अल्लाह का नाम ले लिया जाए तो उसे खा लो वम मुल्ला और जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया उसको खाते क्यों नहीं हो अगर वो हलाल है तो पता ये चला कि कोई भी चीज जानवर कोई भी जबीहा अगर अल्लाह आलमीन के नाम पर जब कर दिया जाए उस पर अल्लाह का नाम ले लिया गया हो तो ऐसी सूरत में उसको खाया जा सकता शर्ती है कि वह हलाल हो। और आगे अल्लाह कहते हैं वालता उन चीज़ों को मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है जिन पर अल्लाह का नाम नहीं पढ़ा जा रहा है जिन जानवरों पर बल्कि गैर का नाम लिया जाता है तो

जिन्नात और इंसान के आपस में गुफ्तु होगी जो लोग आज जिन्नों को काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये समझते हैं कि जिन्नात का तसरुफ़ है और ये है वो है ऐसे लोग कल क़्यामत के दिन अफसोस करेंगे और जिन्नात ख़ुद इन तमाम चीज़ों से अपना पल्ला और अपना दामन झाड़ लेंगे मुशरिकीन के एक गलत तरीक़े की जानब अल्लाह रब्लम ने निशानदेही की फरमाया मशरकिन इनकी खेतियों से जब गला और अनाज पैदा होकर आता था या फल फ्रूट आते थे तो उसके कई हिस्से ये क्या करते थे दो हिस्से करते थे एक हिस्सा अल्लाह के लिए और एक हिस्सा अपने शराखा के लिए यानि लात मनात उज्जा ये जो उनके महबूद थे बड़े बड़े उनके नाम के लिए अलग कर लेते थे और कहते थे हादी बिजामी हाद अली शुरखा इना ये अल्लाह के लिए और ये शराखा के लिए फमाखान अली शुरखा इम फला अब देखें इनकी तकसीम देखें और इनका गलत तरीका देखें कि जो अल्लाह के नाम का रखते थे फमाखान शुरखा इम फलासल्लाह जो शुरखा के लिए होता था उसे अल्लाह के हिस्से में नहीं मिलाते थे उमा खान अली शुरखा इहम फलासल्लामा खान शुरखा इहम और जो अल्लाह के नाम का होता था उसे ये लोग अपने शुरुआ वाले हिस्से में शामिल कर लेते थे सा बहुत ही बुरा फैसला है जो ये लोग करते थे यानी ये चीज गलत है शुरा का हिस्सा फिर उसमें अल्लाह का भी हिस्सा मिला दिया जाए ये गलत तरीका था जिसको मुश्किन ने इख्तियार कर रखा था इसके बाद अल्लाह ने फल और जानवरों की तख्लीक़ का तस्करा किया उसमें सबक इंसान के लिए क्या है क्या नसीहत है वो इंसान को ग़ौर वफ़िक्र करना चाहिए अब देखे अल्लाह ने कहा वह वदिंशाह जन्नात महारूशात वैर महारूशत व नख़ल व ज़रा मुख्तलफ़ अनुकुल व जैतून व्रमान अल्लाह ने कई चीज़ों का नाम लिया जो छप्पर वाले हैं बग़ैर छप्पर के हैं या जिनको जिनके लिए इंसान मेहनतें करता है खजूर है जैतून है खेतियां हैं अनार है अब देखिए कितने फल कितने फ्रूट अगर इन्हीं फलों में इन्हीं फ्रूट्स में अगर इंसान खेतियों में गले और अनाज में इंसान अगर गौर व फिक्र कर ले तो उसे अल्लाह की कारीगरी पर उसके कुदरत पर यकीन हो जाएगा वो अल्लाह पर ही मान ले आएगा आप देखें अनार छिलका तोड़े तो एक के ऊपर एक दाना एक के ऊपर एक दाना हुआ करता है किसने किसने ये सारा सिस्टम किसने ये सारा निशान बनाया नारियल का फल आप ले लें नारियल इतना ऊपर से सख्त होता है अंदर पानी मौजूद होता है उस पानी को उसके अंदर डाला किसने अंगूर बजाय छोटा सा होता है लेकिन इतना मीठा होता है इतना बेहतरीन होता है मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ तरह के फ्रूट्स हैं फल हैं और फूल हैं और मुख्तलिफ तरह की खेतियाँ हैं उससे पैदा होने वाले गले और अनाज हैं इन तमाम चीज़ों में इंसान को ग़ौर फिक्र करना चाहिए और सोचना चाहिए फिर जानवरों का तस्करा किया अल्लाह ने जानवरों की तख्लीक का तस्करा किया अल्लाह ने गाय है भैंस है बैल है बकरियां हैं और दीगर दूसरे चौपाएँ हैं जिनके नाम पर यह सूरा मंसूब है इन तमाम चीज़ों में इंसान को गौर वफिक्र करना चाहिए सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि यह सब अल्लाह की निशानियाँ हैं यह सब अल्लाह की कारीगरी फिर आगे चल कर अल्लाह आलमीन ने दस बड़े बड़े गुनाहों का तस्करा किया या दस बड़ी बड़ी बातों का तस्करा किया उनमें से कुछ चीज़ों से बचने का हुक्म दिया कुछ चीज़ों को करने का हुक्म दिया कहाब तुशरी को बही सबसे पहली चीज अल्लाह ने कहा कि शिरक मत करना की इबादत करना दूसरी बड़ी चीजाना के साथ उसने सलूक करना और फिर आगे चलकर अल्लाह रबीन ने कहा वाला तख्तल की रोजी रोटी के डर से अपनी औलाद को कतल मत करो वाला तख्तुल्ला और किसी भी नफ्स को नाजायज तरीके से कत्ल मत करो बगैर किसी जुर्म के बगैर किसी गुनाह के वला मालयीम माल अल यतीम इल्ला अहसन यतीम का माल नाजायज तरीके से मत खाओ अल अल वखैला वल मीजान बिल किस्त और जब नापो तोलो तराजू तो पूरा पूरा तोलो नाप तोल में कभी मत करो बिल अहद और वादों को पूरा करो और अल्लाहर कहते हैं कि ये मेरा सीधा रास्ता है इस रास्ते की इतवा करो वीली और दिगर जो दूसरे रास्ते हैं शैदानी रास्ते हैं उनकी इतबा उनकी पैरवी मत करो वरना गुमराह हो जाओगे इन तमाम चीज़ों की तुम्हें वसीत करता है ताकि तुम मुस्तकी बन जाओ तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कुछ चीज़ें करने के लिए कहा गया कुछ चीज़ों से बचने के लिए कहा गया हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम और आप इस अल्लाह की इन वसीयतों को हम और आप पढ़ें समझें ग़ौर विक्र करें और जो करने के लिए कहा गया उसको करें और जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया है उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें फिर अल्लाह ने नेकी और गुनाह का बदला अल्लाह के यहाँ उसका कैसे मिलता है क्या सिस्टम है उसका ज़िक्र किया अल्लाह ने फरमाया मंजा अबिलहसन फल हुआ शुरुआम सलिया अल्लाह कितना रहीम है कितना मेहरबान है कितना अल्लाह आलमीन करम करने वाला है अल्लाह कहता है जो एक नेकी लेकर आएगा फल अशरु अशर तो उसी जैसी दस नेकियां हम बदले में उसको दे देंगे बल्कि उससे भी ज्यादा अल्लाह देता है ये उसूल है अल्लाह की रहमत अल्लाह की रहमत का ये कानून देखें एक नेकी एक अच्छाई आप करें उसी जैसी दस अच्छाइयाँ दस दस गुना करके अल्लाह आपको वापस कर देगा वो मनजा अब फला युजजा इल्ला जज़ा लेकिन अगर आप कोई गलत काम करें कोई बुराई करें तो इसी सूरत में उसका बदला सिर्फ उसी जैसा है बल्कि एक हदीस के अंदर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा नेकी करता है अगर सिर्फ इरादा कर ले अभी नेकी की नहीं तो उसके हिस्से में उसका सवाब लिख दिया जाता है इरादा करने पर भी और अगर कर ले तो दस सत्तर सौ सात सौ अल्लाह देता है लेकिन अगर कोई बंदा बुराई का इरादा करता है कितने भी बड़े गलत काम का इरादा कर ले इरादा करने पर अल्लाह की जानेब से गुनाह नहीं लिखा जाता यहाँ तक कि वो उस गलत काम को कर ले और अगर कर लेता है तो सिर्फ उसी जैसा एक बदला उसको दिया जाता है या एक गुना बदला एक हिस्सा उसको दिया जाता है सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है यह अल्लाह की रहमत की दलील है इसीलिए अल्लाह ने इसके बाद फरमाया एक मोमिन की एक मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए अल्लाह ने कहा लाबिल रसूल वह दीजिए कि मेरी नमाज मेरी क़ुरबानी मेरा जीना मेरा मरना ला अबलमीन तमाम इबादतें उस के लिए जो पूरी कायनात का रबिला शरीक अला जिसका कोई पार्टनर नहीं वह भिजा लिखा मर तू और इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए आपकी जिंदगी अल्लाह के लिए तमाम इंसानों की जिंदगी अल्लाह के लिए कुछ भी अच्छा काम आप करें अल्लाह के लिए और हर तरीके के बुरे काम से अल्लाह की खातिर अपने आप को बचाएं इन न सला थी वनसुखी व महिया व ममा थी लाबिल एक मुसलमान की जिंदगी का नारा यही होना चाहिए एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि वो अल्लाह के लिए जिए और अल्लाह ही के लिए मरे यहाँ पर सुर नाम खत्म होती है अब इसके आगे सूर्य आराफ का आगाज होता है आराफ जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह होगी उसी जिसका तस्करा आगे अल्लाह ने किया है इसी सूरा में उसी नाम से सूरा मंसूब है इस सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तिदा ही में सबसे पहली बात बयान की इत्तबिऊ मा उन्जिला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया कि आप इंसानों से हम मुसलमानों से अल्लाह ने कहा कि उस चीज़ की इतवा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नाजिल की गई आई यानी कुरान की की हदीस और उस नाजिल करदा चीज को छोड़कर अलिया की इतबा मत करो यानी ये लोग जो अपनी तरफ से कोई बात कहते हैं चाहे उनका कितना ही बड़ा मकाम क्यों ना हो सहाबा ही क्यों ना हो अल्लाह ना करे मतलब हम ऐसी बात सोचते भी नहीं है लेकिन अल्लाह कहते है, अगर वली बड़ा वली अगर कोई अपनी तरफ से कोई बात कहता है जो कुरान और हदीस में नहीं है या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है तो ऐसी सूरत में उसकी इतबा नहीं करनी है उसकी बात नहीं माननी है पता ये चला कि हमें कुरान और हदीस की इतबा करनी है और इसी बात की दावत व तबलीग करनी है आगे अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का तस्करा किया कि इंसान को हमने किस तरीके से बनाया है अल्लाह ने कहा खलक़नाकुम वलकनाक मसौरनाकम हमने इंसान की तख्लीक़ की खूबसूरत शक्ल दिया बेहतरीन सांचे में डाला फिर हमने फरिश्तों से कहा कि सजदा करो सारे लोगों ने सजदा किया इबलीस भी उस हुक्म में शामिल था वो जिन्नातों में से था उसने सजदा नहीं किया फिर इबलीस का इनकार अल्लाह ने जिक्र किया कि इबलीस ने इनकार कर दिया तो अल्लाह ने कहा फ़खरुज निकल जा तो मरदूद है तो आज से जन्नत में नहीं रहेगा तो निकल जा तेरे लिए आज से जन्नत हराम हो चुकी उसने अल्लाह से मोहलत मांगी कि अल्लाह मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे अल्लाह ने क़यामत तक की मोहलत दे दी फैन नमंदन या तुझे मोहलत दी जाती है फ़बीमा अगवा तनीलाकलमसकी उसने अल्लाह से कहा अल्लाह मैं गुमराह करने की खातिर मैं तेरे बंदों को गुमराह करने की खातिर उनके वास्ते तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊँगा दाएँ से आऊँगा बाएँ से आऊँगा सामने से आऊँगा पीछे से आऊँगा वला तजिद अक्सर अम शरीन और अक्सर लोगों को तो उनमें से ना नाशुक्रा पाएगा कोई अक्सर लोग तेरे ना शुक्रगुजार होंगे शुक्रिया अदा करने वाले नहीं होंगे अल्लाह ने कहा निकल जाए यहाँ से तू बुरा है और तेरे लिए जन्नत हराम हो चुकी उसके बाद अल्लाह अल्ह आलमीन ने इस बात का तस्करा किया कि आदम और होवा जन्नत में रह रहे थे जन्नत का फल खा रहे थे और वहीं इबलीस भी था इबलीस ने आदम और होवा को बहकाना शुरू किया उस दरअत का फल खाने पर उकसाया जिस दरअत के फल खाने से अल्लाह ने मना किया था उसने कहा कि इस दरअत का फल जानते अल्लाह ने क्यों मना किया है इसलिए कि अला शजरत खुल्द इस पेड़ का फल जो खा लेता है वो हमेशा वाली ज़िंदगी पा जाता है वह मुल्क यबला और ऐसी बादशाहत उसको मिल जाती है जो कभी ख़त्म नहीं होती जो पुरानी नहीं होती वमातीम चुनान चाहरत आदमी हज़रतलाम बहकावे में आ गए जन्नत का फल खा लिया फतः फ़ा अफा ने अलाम वरकन्ना जब फल खाया तो बेलेवास हो गए सतर खुल गया जो कपड़ा मौजूद था तो दरख्त का पत्ता तोड़कर उससे अपनी शर्मगाह को छुपा रहे थे अलमन हकुमा अनथिल क्या हमने इस दरद का फल खाने से मना नहीं किया था और इस बात का ऐलान नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ अल्लाह से दुआ मांगी तौबा किया दुआम आगी तोबा कियान ऐ हमारे रब हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया अगर तूने रहम नहीं किया माफ़ नहीं किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे अल्लाह ने माफ़ कर दिया लेकिन जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया इबलीस को भी आदम को भी हव्वा को भी उसके बाद अल्लाह ने कहा या बनी आदम आदमी लिबास ए बनी आदम ए इंसानों हमने तुम्हारे लिए, लिए लिबास नाजिल किया है और उसके दो मकासद अल्लाह ने बताए नंबर एक सतर की हिफाजत शर्मगाह को छुपा कर रखना और दूसरा मकसद वरी शाह जेब वीनत जेब वीनत खूबसूरती मुजयन करके पेश करना ये दो मकसद है लिबास के लेकिन आज देखें इंसान ने लिबास के मकसद को फरामोश कर दिया मर्द भी औरतें भी लिबास का जो असल मकसद था सतर की हिफाजत आज लिबास इतना शॉर्ट कर लिया लोगों ने खुद को बेलिबास कर लिया और लिबास खूबसूरती का बायस है इसीलिए इंसान को खूबसूरत बनने के लिए लिबास का इस्तेमाल करना चाहिए और फिर आगे चलकर अल्लाह आलमीन ने इसी बात का तस्करा किया क्या बनियादीना मस्जिद बनी आदम जब भी मस्जिद में आओ इबादत करने के लिए आओ तो खूबसूरत बनकर आओ यानी अच्छे कपड़े हो लिबास अच्छा हो सतर खुला हुआ ना हो इसलिए कि सतर खुला हुआ रहेगा नमाजी नहीं होगी नमाज गैर मकबूल होगी तो खूबसूरत बनकर आना है लिबास नहीं आना है सतर खुला हुआ नहीं होना चाहिए या गंदा लिबास ना हो लिबास अच्छा हो पाकिज़ा हो खूबसूरत आप नजर ये लिबास आपकी खूबसूरती का जरिया और सबब है फिर अल्लाह रबीन ने

यानी सुई के सुराख में जिस तरीके से ऊंट दाखिल नहीं हो सकता ऐसे ही अल्लाह की आयतों को जुटलाने वाला और तकबर करने वाला अल्लाह की आयतों को जान बुझ कर करा देने वाला बंदा भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा फिर इसके बाद अल्लाह रबुल आलमीन ने जन्नतियों और जहनमियों का तस्करा किया उनका मकालमा जिक्र किया कि जन्नती जन्नत में खुश होंगे जहनमी जहन्नम में तड़प रहे होंगे अजाब में गिरफ्तार होंगे वनादा

जहन्नमियों का तस्करा किया कि जहन्नमी जन्नत से कहेंगे जब जन्नत की नेमतों को देखेंगे अननाफ़ी अल ना मिनई अउम्मा रस हकमल के अल्लाह के बंदो हमारे ऊपर जन्नत के पानी का थोड़ा छिड़काव कर दो या जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से दे दो खालो उन हर रम अल जन्नती जहन्नमियों को जवाब देंगे कि अल्लाह ने जन्नत का खाना पानी जन्नत की नहमतें जन्नत की शराब जन्नत का दूध जन्नत का पानी ये सारी चीज़ें जहा पर हराम कर दिए हैं काफिरों पर हराम कर दिए हैं लिहाजा हम और आपको ये महरूमी की इंतहा है महरूमी की इंतहा है कि जन्नत की सारी नेमतों से महरूम कर दिया जाए और जन्नत का जो पानी है उस पानी के छिड़काव से भी जहार को महरूम कर दिया जाएगा फिर अल्लाह ने अपने ताल्लुक से एक बात बयान कियादा बयान किया कि अल्लाह ने आसमानों ज़मीन की तख्लीक की छः दिनों में फुम अर्श फिर पर आर्श पर मुस्तवी हो गया पता यह चला कि अल्लाह रब्लमी आरश पर मुस्तवी है अपनी ज़ात के अतबार से और अपने इल्म के अतबार से वो हर चीज़ की जानकारी उसको है वह बिकुल इन इल्मा हर चीज़ को उसने अपने इल्म के अतबार से घेर रखा है यानी हर चीज़ की जानकारी उसके पास है कायनत में क्या हो रहा है क्या चल रहा है इन सारी चीज़ों का इम् अल्लाह रबालमीन को है अल्लाह रब्लम ने दुआ के बाद आदाब का तस्करा किया कि जब आप दुआ मांगे तो कैसे और किस तरीके से मांगे अल्लाह ने कहा उद्रो रब तदर व खुफिया अपने रब से चुपके चुपके मांगिए तनहाई में मांगिए गिरियावजारी के साथ मांगिए रो कर मांगिए आंसू बहाकर मांगिए अपने शिकवे शिकायतें अल्लाह के पास रखिए और अपने गुनाहों पर अल्लाह के सामने नादिम होकर शर्मिंदा होकर रो कर उससे इस्तफार कीजिए तोबा कीजिए वो आपकी दुआएँ कबूल करेगा फिर अल्लाह आलमीन ने इस पारे के आखिर में अम्बिया कराम की दावत और नाफरमान कौमों का अंजाम जिक्र किया अल्लाह ने हज़रत नाम हज़रत हूद सामरत शुआब हज़रत साल सलाम इन तमाम नबियों का अल्लाह ने तस्करा किया कि तमाम अम्बिया अपनी अपनी कौम के पास आए हर एक ने अपनी कौम को दावत दीओल माल गई रो कि अल्लाह की इबादत करो उसके अलावा तुम्हारा कोई आबूत नहीं है कौम वालों ने बात नहीं मानी नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की तरफ़ से वादे के मुताबिक अजाब आया कौम नूह डुबो दी गई कौम आद और कौम सम को हलाक कर दिया गया कौम शुआब को अल्लाह रब्लम ने नाप तोल की कमी जो उनके अंदर पाई जाती थी जो ख़राबी उसके जुर्म में गिरफ़्तार करके दुनिया वालों के लिए उन्हें नसीहत का इबरत का सामान बना दिया यहाँ पर पारा नंबर आठ का अख्तितमाम होता है इन अगली मुलाकात में पारा नंबर नौ का जो इब्तई हिस्सा है और जो सूर्य आरब पर ही मुश्तमिल है इन श्ला उसका ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जाएगा अल्लाह हरब्आलमीन से दुआ है अल्लाह मुझे आपको हम सभी को कुरानी मजीद में जो वाक़ात जो बातें बयान की गई हैं उन तमाम बातों से इबरत व नसीहत हासिल करने की तोफ़ी ख़दा फरमाए आमीन व सल्नबीकर मन्नाकान तस्मलीम् असल वरम्ब वबरकू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें